हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट द डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज द नीड ऑफ डेटाबेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डेटाबेस, क्या होता है ये। कंप्यूटर में एक वर्ड है डेटाबेस, जिसको देखते हैं कि अगर एक जगह बहुत सारे डेटा को स्टोर करते हैं तो वो हमारा स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। लेकिन वहां पे डिफरेंट तरह का डेटा स्टोर है एक साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का फोल्डर अलग अलग बना के स्टोर कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है जिससे कि कंप्लीट डेटाबेस डिजाइन कर सके, तो वो है आपका एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस जो हम लोग देख रहे हैं यहां पे, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना, एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, ये सब जो है हमारा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर ही है। लेकिन अभी हम लोग एमएस एक्सेस से देख रहे हैं क्या होता है ये, या फिर एमएस एक्सेल के एक्सेस के बाद अगर जो पढ़ रहे हैं एमएस क्या कहते हैं वो SQL है, PL SQL है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, सब में डेटाबेस का सेम कंसेप्ट आता है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। क्या समझे, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। अब इसमें हमने कहा क्या, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट डेटा, है ना, मतलब क्या, डिफरेंट डेटा लेकिन सिमिलर टाइप है, जिसका एक कलेक्शन के रूप में हम एक जगह रख दें, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। एग्जांपल के रूप में हम देख लें कि अगर हमें कोई वर्ड मीनिंग को ढूंढने के लिए कहा जाए डिक्शनरी से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सबसे पहले वर्ड देखते हैं क्या शुरू है, ए से, बी से, सी से, जिससे डायरेक्ट उस पेज पर चल जाते हैं, है ना। तो फायदा क्या हुआ, इजीली फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि वो भी एक डेटाबेस है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा वर्ड मीनिंग को स्टोर किया हुआ है। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता एक साथ, है ना, सीक्वेंस में पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, तो हम लोग किसी भी मीनिंग को खोजने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम लोग उस तरह से बनाते हैं कि ताकि इजिली हम लोग किसी भी डेटा को फाइंड आउट कर सके, रिट्राइव कर सके, एक्सेस कर सके। तो क्या होगा इसका डिफिनेशन, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट डेटा so that we can find any data, we can access, retrieve any data very easily, very fastly. Full definition ho gaya. Once again, database is an organized collection of similar type of different data, so that we can access, retrieve, fetch any data वेरी इजिली एंड वेरी फास्टली। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। सपोज हमने यहां पर एक टेबल डिजाइन किया है, ये टेबल किसी कंपनी के एम्प्लॉय का लिए है बनाया हुआ, क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग डेटाबेस बना के रखता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोई काम, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक जगह रखेंगे ना वो, है ना। सिमिलरली हमने वही किया यहां पे, एक कंपनी का आईडी है ये, डेटाबेस है ये, जिसमें कि एम्प्लॉय का आईडी लिखा हुआ है। हर किसी का कुछ एक ना एक ऐसा कॉलम जरूर होता है, एंटिटी जरूर होता है जो कि यूनिक होता है। जैसे स्टूडेंट के लिए रोल नंबर यूनिक है, वो नेम डिफरेंट हो सकता है, सेम नेम डिफरेंट पर्सन के पास हो सकता है, डिफरेंट पर्सन का हो सकता है, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग किसी के आईडी का बात करें, तो वहां भी आईडी जो होगा सबका यूनिक होगा। तो यहां पे हमने क्या लिया, किसी एम्प्लॉय का आईडी है E01, E02, E03, E04, कुछ भी आईडी हो सकता है।
एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे, फर्स्ट नेम एबीसी है, दूसरे का डीईएफ है, फिर थर्ड पर्सन का एबीसी है, क्योंकि सेम नाम का दो तीन पर्सन हो सकता है, मल्टीपल पर्सन हो सकता है, इसीलिए मैंने रिपीट किया। लेकिन आईडी, रोल नंबर, ये सब क्या होगा, यूनिक होगा, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, एक्सेस किया जा सके, है ना। जीएचआई नेम है, पोस्ट एचआर का है, मैनेजर का है, ऑपरेटर का है, इंजीनियर का है, अलग अलग पोस्ट के आदमी है उसमें। सैलरी 30,000, 60,000, 10,000, 40,000 सैलरी है उसका। एड्रेस पटना दिल्ली, फिर पटना यूपी, अलग अलग के एम्प्लॉय उसमें वर्क कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, सिमिलर, अब देखो सिमिलर टाइप मतलब क्या, अगर ये डेटाबेस बना हुआ है तो एक ही तरह का डेटाबेस, वो इंप्लॉय का है, इसमें हम किसी स्टूडेंट का नाम नहीं दे सकते, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज के स्टूडेंट का, सिमिलर टाइप है, दरमिस एक तरह का डेटाबेस है, डिफरेंट डेटा है, देखो इधर आईडी है, नेम है, पोस्ट है, सैलरी है, एड्रेस है, डिफरेंट डेटा स्टोर किया हुआ है, लेकिन सिमिलर टाइप है वो, इसलिए ये बात हम डिस्कशन में लिखेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट डेटा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट एनी डेटा। अगर हम लोग किसी को बुलाना होता है तो क्या करते हैं, किसी रोल, ये एम्प्लॉय आईडी E02 कम आउट, एम्प्लॉय आईडी E04, E03, तो हमने वहां पर अगर मान लो किसी इंजीनियर को करके बुलाएंगे, देयर मे बी मल्टीपल इंजीनियर्स, देयर मे बी मल्टीपल मैनेजर्स, देयर मे बी मल्टीपल ऑपरेटर्स, देन हु विल कॉल्ड, सो वी आर गोइंग टू कॉल फ्रॉम यूजिंग आईडी, है ना। स्कूल में भी बच्चे को रोल नंबर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि एक नाम को बुलाएंगे तो बहुत सारा बच्चा निकल के आ जाएगा, तो वहां पे ये है, इसलिए इजीली वी कैन फाइंड आउट, वी कैन एक्सेस, वी कैन रिट्राई, वी कैन फेच एनी डेटा वेरी इजीली, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो हमने अभी तक डेटाबेस को समझा, एग्जांपल में अभी हमने लिया क्या है, इंग्लिश डिक्शनरी जो हमारे पास है, किसी भी डेटा को फाइंड आउट करने के लिए आसानी से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसका डेटाबेस भी है ना सिक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, है ना, अल्फाबेटिकली। हम अपने घर के टेलीफोन डायरी का बात ले लें, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डेटाबेस, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर का नाम क्या करते हैं, सीक्वेंस में अल्फाबेटिकली लिख के रखते हैं, है ना, किसी को भी फाइंड आउट करना तुरंत निकाल लेते हैं। आपके पास जो बुक होगा उसका बुक का देखिएगा, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज पर है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज पर है, वो भी एक डेटाबेस है, पेज नंबर वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सब आइडेंटिफाई किया रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ मारा। नेक्स्ट है नीड ऑफ डेटाबेस, अभी बताया नीड, अगर ये हम डिजाइन नहीं करके रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन आदमी किस पोस्ट पर है, कहां का है, क्या सैलरी है, कब से है, किसका पेमेंट मिला, किसका पेमेंट बाकी है, कौन काम किया, या अगर कोई हम लोग किसी गुड्स का बात करें, किसी सामान का बात करें जो कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस होता है, तो कितना माल, रॉ मटेरियल आया, कितना जो है तो प्रोड्यूस हुआ, है ना, कितना मार्केट में सेल हुआ, सबको एक जगह अगर नहीं रखेंगे तो कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगा। इसलिए डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टू अस टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलिंग एंड परचेजिंग या वट एवर द रिलेटेड टू द कंपनी वर्क, वी शुड नो, वी कैन नो अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेज ऑफ डेटाबेस देखते हैं, क्या क्या इसका एडवांटेज है, ये करने से फायदा क्या होगा, डेटाबेस बनाने से क्या फायदा होगा, है ना। तो सबसे पहले हमने याद देखा कि रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। अब मान लो यहां पे हम लोग आईडी में E01 है, फिर E01 नहीं कर सकते हैं, बार बार रिपीट करेगा डेटा, है ना। अगर हम E02 है यहां पे मान लो, है ना, सीक्वेंस में रिडंडेंसी का मतलब, अगर ऐसा कभी होता है ना कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, मल्टीपल जगह स्टोर किया गया है, मल्टीपल प्लेस में रखा हुआ है, तो क्या होता है, हमारा मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है सिस्टम का। अगर मान लो कोई वीडियो है, एक ही वीडियो को अलग अलग ड्राइव में स्टोर करके रखे हैं, फायदा क्या होगा, मेमोरी फुल बताएगा, काम एक ही है, इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसमें डेटाबेस ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इजीली हम लोग सीक्वेंस में फॉलो कर लेंगे, बता देगा कि मल्टीपल डेटा आपका स्टोर है इसमें, तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं रिडंडेंसी को, जो बार बार रीड किया हुआ है डेटा को, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस डेटा इनकंसिस्टेंसी, है ना, इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करना, है ना, दैट मींस मिसमैचिंग डेटा अगर हो रहा है,
है ना, डेटा अगर अलग अलग रखा हुआ है, दोनों मिसमैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम फाइंड आउट हो सकता है कि मान लीजिए टेबल ए में अगर कोई E01 का रिकॉर्ड टेबल कई जगह टेबल बना हुआ है, टेबल ए में कुछ और कह रहा है, टेबल बी में कुछ और कह रहा है, लेकिन ए का बी का E01 का रिकॉर्ड है, दोनों में सेम मिलना चाहिए था ना, कि आदमी वही है ना, मिसमैच होगा तो उसको रिड्यूस कर सकते तुरंत कि नहीं यहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन, यहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन है आपका, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा, दैट मींस ये डेटा जो है हम लोग डिफरेंट जगह शेयर कर सकते हैं, है ना, जो उससे रिलेटेड होगा, ऑथराइज होगा उनके पास। जैसे अगर कोई स्कूल में है ना स्टूडेंट है, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो मैनेजमेंट के द्वारा है ना सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन के रूप में भेजा जाता है कि इतना तारीख से बंद है, इतना तारीख से खुला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है। सिमिलरली कंपनी में भी ऐसे ही हो सकता है, हर चीज के लिए मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी प्रोडक्ट को है ना ये कर रहा है बनाने का काम, मार्केट में भेजने का काम, तो उसके पास इंफॉर्मेशन सबको शेयर कर सकता है ना, तो शेयर करने का डेटा एक फायदा होगा ये। इनफोर्स डेटा सिक्योरिटी, है ना, अब बताते हैं सिक्योरिटी किसके हाथ में है। तो एक और पोस्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, वेल नॉलेज्ड पर्सन दैट कंट्रोल द सर्वर ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस के सर्वर को कंट्रोल करने का काम करता है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो क्या करता है, अपने सिस्टम पे जो मेन सिस्टम होता है, सर्वर होता है, उस पे क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखता है, पासवर्ड लगा के रखे, जैसे ही उसको प्रोटेक्ट करके रखना हो वो प्रोटेक्ट करके रखता है, बिना उसके परमिशन का कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है, नहीं तो कुछ भी कर सकता है डेटाबेस में छेड़खानी। जैसे मान लो कि E02 पेमेंट ले लिया है, और वो अगर दूसरा आदमी E02 जाके कह देगा नहीं मैंने पेमेंट नहीं लिया, उसको फिर से ब्लैंक कर देगा, डिलीट कर देगा, तो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है, एक डेटा को खोजने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए डेटाबेस को कंट्रोल किया जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन किसी भी तरह का छेड़खानी उससे ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प टू मेंटेन स्टैंडर्ड, है ना, मतलब क्या, ये एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कि आपका डेटाबेस कैसे डिजाइन किया हुआ है, कितना फास्ट काम आपका डेटाबेस से हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि रेलवे डिपार्टमेंट बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा है ना ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुछ भी काम फास्टली वे में हो रहा है ना। अगर मान लीजिए कि कहीं पर ट्रेन एक्सीडेंट कर जाता है कुछ भी, तो तुरंत विद इन आवर, 2 आवर, 4 आवर, विद इन 5 आवर, 6 आवर फिर से सारा काम शुरू कर देता है ना, या फिर कौन ट्रेन कहाँ पे है, किस ट्रेन पे कहाँ पे, किससे कब कब का टाइमिंग कैसे गुजरना है, कभी कोई टकराता नहीं जल्दी, है ना, क्योंकि उसका डेटाबेस ऐसे डिजाइन किया हुआ है ताकि सारा काम सिक्वेंसली अपने आप करते जा रहा है, टाइमली सबको प्रोवाइड किया गया है, हर सिक्वेंस में सारा काम प्रोवाइड किया हुआ है, सारा वर्क प्रोवाइड किया गया है, तो वो मेंटेन एक स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है कि आपका टेबलर फॉर्म में है या फिर अदर फॉर्म में है, कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं सिक्वेंस में। ऐसा तो नहीं है कि डेटा का जब बार बार रिड्यूस हो, रिडंडेंसी ज्यादा है उसमें, इनकंसिस्टेंसी है ज्यादा, कन्फ्यूजन है ज्यादा, इस सब तरह का होगा तो स्टैंडर्ड नहीं हुआ, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है ना ये हमारा डेटाबेस कहलाता है। तो आज हम लोग देखें क्या डेटाबेस क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ, जरूरी है डेटाबेस, नीड है ना, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सही पुर से ये क्या कहते हैं प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगा, कोई इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं रख पाएगा, इसलिए जरूरी है। एडवांटेज देख लिए हम लोग, नीड देख लिए, एग्जाम्पल के साथ टेबल बना के देख लिए हम लोग, तो बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।